प्रणाम, मैं हूँ अलका नेगी तोमर। बात कर रहे हैं बौद्ध संघ के संगठन की। दिए गए तथ्य डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध एवं उनका धम्म पर आधारित हैं। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। संबोधि प्राप्त होने के पश्चात बुद्ध ने संसार में बौद्ध धम्म को प्रचारित करने का निश्चय किया। उनका पहला प्रवचन, जो कि पंच परिव्राजकों को संबोधित था, एक नए मार्ग को स्थापित करता था और वह मार्ग था बौद्ध धर्म। जब बुद्ध ने धर्म प्रचारित करने का विचार किया, तभी वे जान गए थे कि उन्हें दो प्रकार के धर्मांतरण करने होंगे, भिक्खु और उपासक। भिक्खु और उपासकों के धर्माचरण के उद्देश्य व नियम समान थे, उनमें केवल चार भिन्नताएं थीं। भिक्खु सन्यासी होंगे जबकि उपासक गृहस्थ। भिक्खुओं के लिए नियम थे जबकि उपासकों के लिए निर्देश। भिक्खु धन संवरण नहीं कर सकते थे जबकि उपासक धन, भूमि व रत्न रख सकते थे। भिक्खु संघ से जुड़ने के लिए उप संपदा नाम के समारोह से निकलते थे जबकि उपासकों के लिए ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं था। इस सब के अतिरिक्त उपासक कभी भी भिक्खु बन सकते थे, परंतु भिक्खु को उपासक बनने के लिए संघ से जुड़ते समय लिए गए संकल्प को भंग करना आवश्यक था। इस प्रकार से बुद्ध ने अपने धम्म के लिए एक आवश्यक नींव तैयार कर ली थी। सन्यासियों का एक वर्ग, जो कि अपना जीवन बौद्धिक विकास व नए सिद्धांतों के प्रतिपादन में न्योछावर करते, वह उपासकों का दूसरा वर्ग, जो नियमों पर चलते हुए गृहस्थ जीवन और धन यापन करते हुए सन्यासियों का समर्थन करें, दान आदि से उन्हें पुष्ट करें। पंचवर्गीय भिक्खुओं को जोड़ने के बाद बुद्ध ने कुछ प्रतिष्ठित लोगों को धर्म से जोड़ा। तीन कश्यप भाई, उरुवेला कश्यप, नदी कश्यप व गया कश्यप अध्यात्म में गहरी रुचि रखते थे। उनके क्रमशः 500, 300 और 200 अनुयायी थे। उरुवेला कश्यप के विषय में कहा जाता था कि वे जीते जी मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। उनकी ख्याति व प्रभाव को देखते हुए बुद्ध उरुवेला कश्यप के आश्रम में गए व उन्होंने उनसे उनके आश्रम में रुकने की अनुमति मांगी। उरुवेला कश्यप अनुमति देना तो नहीं चाहते थे, परंतु बुद्ध के अनुरोध पर अंततः उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। उरुवेला कश्यप बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए। वह काफी सोच विचार के बाद उन्होंने बुद्ध से दीक्षा ली। उनकी दीक्षा लेने के बाद उनके दोनों भाई व उनके अनुयायियों ने भी बुद्ध की शरण ली। कश्यपों के अनुयायी जतियों के बुद्ध से जुड़ने की बात से मगध के राजा बिंबिसार जान गए कि बुद्ध प्रबुद्ध हो चुके हैं। वे बौद्ध धर्म के समर्थक हो गए हैं। कोसल के राजा प्रसेनजीत ने अपने कोषाध्यक्ष आनंद पिटाका से बुद्ध के विषय में सुना। वे इतने प्रभावित हुए कि दोनों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कुरु प्रदेश के रथपाल बुद्ध के आगे झुके। 1,20,000 उपासक बुद्ध के साथ जुड़ गए। बुद्ध ने राजाओं, मंत्रियों व सैनिकों को धम्म के पथ पर चलने की छूट तो दी, परंतु उन्हें संघ में नहीं लिया। उन्हें धम्म से पहले अपने धर्म व कर्तव्य पालन करना अनिवार्य था। इस प्रकार बुद्ध का धम्म तेजी से प्रचारित हुआ। धनी, प्रभावी, सामान्य, नीच, पिछड़ी जाति व नारियों को भी धम्म में सम्मानित स्थान मिला। सभी ने अपने मन व शरीर को नियंत्रण में रखते हुए सही विचार से, सही सोच तक को धारण करके समाज को सुखी किया। संघ की स्थापना हो चुकी थी, धम्म बन चुका था। लोगों ने बुद्ध की, उनके संघ की, उनके धम्म की शरण ली। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आप क्या समझते हैं कि क्यों बौद्ध धर्म सारे एशियन उपमहाद्वीप में प्रचलित हुआ, परंतु अपने उद्गम स्थान में क्षीण हो गया? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में भेजें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन प्रेस करें। आगे, क्यों बौद्ध धर्म भारत में क्षीण हुआ जबकि विदेशों में प्रचलित हुआ? तब तक
हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।